नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। नमस्ते एमपी में बात मध्य प्रदेश की तमाम खबरों की, लेकिन सबसे पहले रुख छत्तीसगढ़ के बेमेतरा करते हैं, क्योंकि बेमेतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक खड़े पिकअप में दूसरे पिकअप ने टक्कर मार दी और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पिकअप सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 4 लोग को रेफर रायपुर राजधानी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेमेतरा से खबर है, खड़े पिकअप में दूसरे पिकअप ने टक्कर मार दी, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खड़े पिकअप में दूसरे पिकअप ने टक्कर मारी, जिसके बाद 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, ये बस माफ कीजिए, ये पिकअप वाहन कहाँ जा रहा था, कैसे हादसा हुआ, कुल कितने लोग सवार थे, कितने लोगों की मौत की खबर है, इसमें महिलाएं और बच्चे कितने बताए जा रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा घटना है वो नेशनल हाईवे सिंगा और बेमेतरा के बीच में हुआ है। आज तिवरैया गांव में लगभग छठी का कार्यक्रम रखा गया था, जन्मोत्सव का आयोजन रखा गया था, उसमें ये लोग आए हुए थे और लगभग उस जो पिकअप वाहन है, बुलेरो पिकअप वाहन, उसमें 30 से 35 लोग बैठे हुए हैं। वापसी ये अपना पथर्रा गांव जा रहे थे। तिवरैया से पथर्रा की जो पथर्रा गांव, उसकी दूरी 5 से 7 किलोमीटर दूरी ये है। रास्ते में एक जो गाड़ी है उस गाड़ी में जाके ये गाड़ी घुस गई है और उसके बाद में मौके पे ही 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्ची है और 6 महिलाएं हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है, सॉरी, एक रास्ते में ले जाते जाते रायपुर जो रिफर गए उनकी मौत हो गई और लगभग 20 लोग इस घटना में घायल है। और कुल कितने लोग सवार थे इसमें? लगभग इस जो गाड़ी है उसमें 30 से 35 लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोग घायल हुए, 20 से 21 लोग, और 9 लोगों की मौत हो गई है। तो ये ओवरलोड तो नहीं था, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जो चीजें निकल के आ रही है सामने, एक तो लापरवाही की मालवाहक, जिस तरीके से मालवाहक गाड़ी में लोगों को ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग करना, ये बड़ी चीज है और लापरवाही ही सामने आ रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, इस घटना में जो माल पिकअप माल वाहन है उसके केबिन में सामने में कोई भी नहीं बैठा, सिर्फ ड्राइवर बैठा था और गाड़ी इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, ड्राइवर बच गया है, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे, जो डाला में बैठे हुए थे, वो उनकी मौत हो गई है और कई लोग घायल है।